Hello and welcome to N Knowledge Junction. Today in this video we will be discussing about India's state of forest report 2019. I think this is an important topic because this report is published biannually. It was lastly published in 2017 and now it is published in 2019. So let's before moving forward, I will just request you guys to like, share and subscribe my channel. Now let's come to our topic, which is इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाता है हर दो साल पे, बायनुअल रिपोर्ट है. और जो 2019 वाली रिपोर्ट है वो 16वीं रिपोर्ट थी, 16th रिपोर्ट इन दिस सीरीज, बिकॉज जो ये रिपोर्ट जो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट जो पब्लिश होना शुरू हुआ था वो 1987 में स्टार्ट हुआ था. तो तब से लेकर अभी तक पे 16 रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं और ये 16वां रिपोर्ट था 2019 वाला. और ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाता है. और ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अंडर वर्क करता है, जो वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Now move to the methodology. Now we will be discussing methodology because this year there was a change in the methodology by the government of India. The Indian Forest jo reports published ki gayi hai jo 2019 ki, government of India ki jo vision hai digital India banane ka, uske tahat uske under hi work kiya gaya hai, usi cheez को promote करने के लिए work किया गया है. इस बार हमने satellite data ज़्यादा से ज़्यादा use करने की कोशिश की है और इस सैटेलाइट डाटा को हमने इंटरप्रेट किया है फ्रॉम रिसोर्स सैट सेकेंड, विच इज़ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. एंड उस इस वजह से इस बार की जो डाटा है हमारी उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो इसलिए एक अच्छी रिपोर्ट मानी जा रही है आने वाले फ्यूचर असेसमेंट्स के लिए, जो भी चाहे वो एनजीओ के द्वारा यूज़ की जाए या किसी भी एनालिसिस को, फॉरेस्ट से रिलेटेड एनालिसिस और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एनालिसिस की एक एक्यूरेट एक्यूरेट चीज़ को निकालने में हेल्पफुल होगा. सेशन में आगे बढ़ने से पहले मेरे ख्याल से कुछ चीज़ों का, कुछ वर्ड्स का मीनिंग आना ज़रूरी होता है, तो उन चीज़ों को हम समझेंगे. तो इसमें चार मेंशन टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. फर्स्ट है फॉरेस्ट कवर, दूसरा ट्री कवर, तीसरा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और चौथा ग्रीन वॉश एरिया. तो पहला इस जो इमेज की, जो छोटी सी एक इमेज है जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है, उस इमेज की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया क्या होता है और ग्रीन वॉश एरिया क्या. इस टर्म इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंडर में हम सबसे पहले फॉरेस्ट कवर को जानेंगे. तो फॉरेस्ट कवर क्या होता है? तो किसी भी कंट्री का जो फॉरेस्ट कवर होता है वो जितनी भी लैंड्स हैं कंट्री की, जितनी भी लैंड्स हैं उनमें जो ट्री कैनोपी है, जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है, यहाँ हम देख सकते हैं ये जो ट्री है, इसकी जो ये जो ट्री है ना, इसकी इस इतनी एरिया को हम ट्री कैनोपी कहते हैं. ये जो ट्री है यहाँ पे भी जो दिख रही हैं, ये सारी ये है जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है ये. तो किसी भी कंट्री के किसी भी लैंड पे, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड हो या किसी भी प्राइवेट लैंड हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्राइवेट लैंड मीन्स एग्रीकल्चरल लैंड हो या फिर किसी का बगीचा हो, ऑर्चर्ड्स हो किसी भी चीज़ के, तो उन सारे लैंड्स पे जितने भी ट्री होंगे और उन ट्री का जो कैनोपी है, ट्री कैनोपी कम से कम 10% होना चाहिए और वो एरिया जो होना चाहिए वो नॉट मोर देन 1 हेक्टेयर होना चाहिए. तो वो सारी एरिया जो है वो एक फॉरेस्ट कवर के अंडर आएंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज़, चाहे वो पब्लिक का है या पब्लिक प्रॉपर्टी है या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो लैंड, किसी के भी अंडर आता हो वो मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि ट्री कैनोपी जो होनी चाहिए वो 10% डेंसिटी का होना चाहिए और जो लैंड एरिया होना चाहिए वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. तो इस सेशन में अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है ट्री कवर. अब ट्री कवर क्या होता है? फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर तो हमने समझ लिया, तो ट्री कवर क्या होता है? ट्री कवर क्या होता है कि ट्री कवर जितने भी लैंड्स के, ऑल पैचेज ऑफ ट्री, जितने भी लैंड हैं, चाहे वो रोड साइड एरिया वाले हों, रोड साइड में लगाया हुआ है, कोस्टल एरिया में लगाई गई ट्रीज हों या फिर रोड साइड ट्रीज हों या किसी एग्रीकल्चरल लैंड पे लगी हुई ट्री हों या किसी ऑर्चर्ड में लगी हुई ट्री हों, किसी भी पैच ऑफ लैंड पे ट्रीज ग्रो कर रही हैं और वो लैंड एरिया 1 हेक्टेयर से कम है, तो उसको हम ट्री कवर कहेंगे. तो
तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर एरिया और ट्री कवर एरिया में क्या क्या अंतर हो गया? सिर्फ एक अंतर है कि जो ट्री कैनोपी हम यहाँ पे काउंट कर रहे थे वो 10% डेंसिटी की होनी चाहिए, तब वो फॉरेस्ट कवर के अंदर आएगा. बट फॉर ट्रीज अंडर ट्री कवर देर इज नो सच बाउंडेशन ऑफ 10%. एंड दूसरा बाउंडेशन यहाँ पे क्या है कि वो ट्री यहाँ पे भी वो चीज़ लागू होती है कि जो लैंड एरिया होना चाहिए वो 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए. द ओनली डिफरेंस इज कि 10% कैनोपी वाले ही सिर्फ वो 10% वाले कैनोपी वाले डेंसिटी वाले ट्रीज सिर्फ नहीं काउंट होंगे, बल्कि यहाँ और भी सारे ट्री काउंट होंगे जिनकी जिनकी ट्री कैनोपी लेस देन 10% भी होंगी. तो ये है डिफरेंस. यानी कि अगर हम समझे मैथ्स के टर्म में, तो मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये वेन डायग्राम अगर इस चीज़ का बनाए हम, तो ये एक सर्कल है. तो ये सर्कल क्या है? ये है ट्री कैनोपी, और उस सर्कल के अंदर एक और सर्कल है जो कुछ पोर्शन, इस सर्कल का कुछ पोर्शन जो है ये है फॉरेस्ट कवर, ये है फॉरेस्ट कवर, और ये क्या है? ये है ट्री कवर. क्यों? कि फॉरेस्ट कवर में ओनली 10% डेंसिटी होगी ट्री कैनोपी की, तभी हम काउंट करेंगे ट्रीज को कि वो फॉरेस्ट कवर के अंडर में आती हैं. अदरवाइज वो सारे ट्री कवर्स, ट्री कैनोपी जिनकी 10% कम से कम डेंसिटी है, वो हम कवर करेंगे ट्री कवर के अंदर. सो यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये फॉरेस्ट एरिया जो है, ये फॉरेस्ट एरिया, ये इसकी जो लैंड लैंड है, लैंड का कलर से भी हम जान सकते हैं, लैंड की कलर ब्राउन है. दिस मीन्स कि यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं की जाती हैं, यहाँ पे ग्रासेस नहीं उग पाती हैं. और ये जो एरिया है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है, तो यहाँ पे कुछ एरियाज कोई ग्रेजिंग 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 एरिया है, कोई जानवरों के चरने का ग्रेजिंग एरिया है, पैचेस है, पैशर्स हैं, कुछ ऑर्चर्ड्स हैं, कुछ एग्रीकल्चरल लैंड्स पे किनारे लगाए गए पेड़ हैं, वो सारे ट्री कैनोपी के अंदर आएंगे. नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट टर्म इज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया. दिस एरिया इज दोज एरियाज ऑफ लैंड और फॉरेस्ट एरिया विच आर अंडर अंडर रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट. विच आर अंडर रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट हैज़ अ रिटन रिकॉर्ड और रिटन अकाउंट ऑफ ऑल दीज एरियाज. दीज आर कॉल्ड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया. देन फोर्थ टर्म इज ग्रीन वॉश. ग्रीन वॉश क्या है? जितने भी एरिया में एक्सटेंट ऑफ वुडेड एरियाज शोन इन लाइट कलर, ग्रीन लाइट कलर ऑन द सर्वे ऑफ इंडिया टॉप शीट, मीन्स जो भी सर्वे, जो सर्वे ऑफ इंडिया है जो पब्लिश्ड है किसी भी मैप में, इंडिया के किसी भी मैप में, वो जो लाइट ग्रीन कलर से जितने एरिया, वुडेड एरिया जहाँ पे पेड़ लगे हैं, जो लाइट ग्रीन कलर में वो एरिया जो जो लेबल किए जाते हैं, उन एरियाज को ग्रीन वॉश एरिया कहते हैं. नाउ वी हैव अंडरस्टैंड ऑल द फोर टर्म्स. नाउ वी विल बी मूविंग टू द की फाइंडिंग्स ऑफ दिस ईयर्स इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. द की फाइंडिंग्स आर देर इज़ अ इंक्रीज ऑफ ग्रीन कवर एरिया इन इंडिया बाई 20 विच इज़ अराउंड 24.56% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, विच इज़ इक्वल टू 80.73 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड. एंड द टॉप थ्री स्टेट्स विच हैव शोन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया, वो तीन स्टेट्स जो जिन्होंने बढ़ोतरी दर्ज की है फॉरेस्ट एरिया के अंडर, सबसे पहला नंबर है कर्नाटका, देन सेकेंड इज़ आंध्र प्रदेश, एंड थर्ड इज़ केरला. अगर हम एरिया वाइज देखें तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किस स्टेट के अंडर, कंट्री में किस स्टेट के अंदर आता है, तो वो सीक्वेंस है स्टेट्स का, मध्य प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, एंड देन महाराष्ट्र. पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो इंक्रीज है फॉरेस्ट कवर एरिया में वो किस सीक्वेंस में है. तो सीक्वेंस है ओपन फॉरेस्ट एरिया इज ग्रेटर देन वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया, इज ग्रेटर देन मॉडरेटली फॉरेस्ट एरिया, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एरिया. तो ये जो सीक्वेंस है वो क्यों ऐसा है इस बार का? क्योंकि ओपन हुआ क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, हमने एफॉरेस्टेशन के लिए बहुत सारी कैंपेन चलाई, तो जिसकी वजह से कुछ एरियाज़ में
काफ़ी बड़े लेवल पे एफॉरेस्टेशन किया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ओपन फॉरेस्ट एरिया है, जो फॉरेस्ट एरिया में नहीं आते थे, जो एरियाज एग्रीकल्चरल एरिया हो गया या फिर रोड साइड एरिया, कोस्टल एरिया हो गए, या कोई ऑर्चर्ड्स में ट्रीज लगी, हमने कहीं भी ट्री प्लांटेशन किया, तो वो ओपन फॉरेस्ट एरिया के अंदर आती हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ओपन फॉरेस्ट एरिया में जो ट्रीज प्लांट की गई वो ज़्यादा ज़्यादा प्लांट की गई। इसकी वजह से जो डिसऑर्डर था वो डिसऑर्डर जो ऑर्डर था वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया। पहले पहले यूजुअली देखा जाता था कि डेंस फॉरेस्ट एरिया, मॉडरेटली फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, उसके बाद डेंस फॉरेस्ट एरिया है, फिर ओपन फॉरेस्ट एरिया आता था। बट चूंकि लोगों ने एफॉरेस्टेशन में काफ़ी ध्यान दिया कैंपेनिंग की वजह से, तो ओपन फॉरेस्ट एरिया का जो इस बार का जो सीक्वेंस था कवर फॉरेस्ट फॉरेस्ट कवरेज का, वो ज़्यादा हो गया। तो इसलिए ये सीक्वेंस देखने में आया, ओपन फॉरेस्ट एरिया ग्रेटर देन वेरी डेंस फॉरेस्ट, देन ग्रेटर देन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। नाउ कमिंग टू अदर की फाइंडिंग, वी हैव सीन दैट देर इज इंक्रीज ऑफ, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट देर इज इंक्रीज ऑफ 10%, मोर देन 10 इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया, एंड वी हैव डिस्कस्ड वॉट इज फॉरेस्ट कवर। सो 10% ट्री ट्री कैनोपी एंड वन लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, दिस इज दी फॉर कंडीशन फॉर फॉरेस्ट कवर। नाउ द अदर की फाइंडिंग इन दिस रिपोर्ट इज मैनग्रूव कवर। मैनग्रूव इन दिस रिपोर्ट ऑफ ISFR 2019, मैनग्रूव कवर्स हैव बिन रिपोर्टेड सेपरेटली, मैनग्रूव कवर्स हैव बिन रिपोर्टेड सेपरेटली, एंड देर इज़ एन इंक्रीज ऑफ मैनग्रूव कवर ऑफ 54 किलोमीटर ऑब्जर्व्ड, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.10% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। एंड द टॉप थ्री स्टेट्स इन इंक्रीज इन मैनग्रूव कवर एरिया दे आर इन द सीक्वेंस, फर्स्ट इज द गुजरात, सेकेंड महाराष्ट्र एंड देन उड़ीसा। गुजरात हैज़ शोन 37 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ इंक्रीज इन इंक्रीज इन मैनग्रूव एरिया। Then comes the Maharashtra with 16 kilometer square, and then finally Odisha with 8% square kilometer square increase. Now another key findings in this report is there is a decline of forest cover in northeastern region. The most forested area or the most forest coverage, forest density is generally seen in northeastern states, the seven sisters, or if we include Sikkim, the eight regions, the eight states. But there is a decline in the forest cover area in these northeast regions. There is a decline of 0.45% kilometer. There is a decrease of forest in all the states, all the seven states, or you can say all the eight states if we include Sikkim, except Assam and Tripura. In all these eight states, Assam and Tripura have only shown increment. Otherwise, all the regions in the northeastern states have shown a decrease in forest. It's decline of forest cover. We can see in this image. From this image, the decline, there is a maximum decline in Manipur of about 2.88%. Then comes the Arunachal Pradesh, sorry, then comes the Mizoram with 0.99%, and then third is Arunachal Pradesh with 0.41% decrease. Now, the forest cover in tribal districts. The another key point, key area covered in this report is forest cover in tribal districts. The total forest cover in the tribal districts also, we can say, see that total forest cover which come under tribal districts is 37.54%. But they have also shown a decrease. They have also shown a decrease of 741 square kilometer of forest cover within the recorded forest area, or you can say greenwash area in the tribal districts. Why such decrease have been seen in these tribal districts in the forest cover reasons? One of the reason is reported in this report. There is a decline because the tribal population is getting a land title which is called patta.
पट्टा दिया जा रहा है ट्राइबल पॉपुलेशंस को, और ये क्या कर रहे हैं जिसके वजह से इनको एग्रीकल्चरल ट्री प्लांटेशंस को प्रमोट करने के लिए, कॉमर्शियल क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए इन्हें पट्टा दिया जाता है, तो उसमें ज़्यादा मनी मिलती है इनको, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, दे आर कटिंग द ट्रीज एंड गोइंग फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दैट्स वाई देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट कवर एरिया इन द ट्राइबल एरियाज and also rise in tree outside the forest area due to and rise in tree outside the forest. This means that because of this increase is big just because of afforestation practices, or you can say the campaign done by the governments and promotion done by the governments for afforestation or planting trees. That's why there is a more increase in tree areas or greenery area outside the forest area. On the other hand, there is a decline in forest cover. Now, another point which is covered in this report is to also give information about the forest prone areas or which are and categorized in different severity classes. So, in the line of forest area in northeastern region, northeastern region and central region have more fire prone areas in the country, and this is about 30% forest cover in Mizoram are under extremely you can say this the red color here, the dark red color representing the extremely fire prone area and highly fire prone area, and Mizoram are accounting 30% of the forest cover which is under forest prone. And it is the highest in the country, and you can see easily in this image. You can take a screenshot also, and you can see by yourself as well. Now, another point which is covered in this report is carbon stock. The total carbon stock of the country is estimated to be 7124 million ton. दैट इज़ जो हमने इंक्रीज़ देखा है, अगर देखा जाए तो 42.6 मिलियन टन्स की इंक्रीज हुई है कार्बन स्टॉक में अकॉर्डिंग टू द लास्ट असेसमेंट विच वॉज डन इन 2017. 2017 में जो रिपोर्ट थी उसके कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो 42.6 मिलियन टन की इंक्रीज़ हुई है. दिस इम्प्लाइज ये क्या बताता है कि हाउ इंडिया इज़ ऑन राइट ट्रैक टू अचीव इट्स पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट ऑफ 2.5 to 3 billion कार्बन सिंक्स. इससे क्या होगा कि अगर कार्बन स्टॉक हमारे पास ज़्यादा होंगे, कार्बन स्टॉक मीन्स वॉट, कार्बन स्टॉक मीन्स द मोर एरिया, मोर ग्रीनर एरिया, मोर फॉरेस्ट, मोर ट्रीज, बिकॉज ट्रीज आर कंसिडर्ड एज अ कार्बन सिंक. They absorb the carbon products and decrease the global warming effect. So there is an increase in carbon stock. As there is increase, India is on right track to achieve its goal which it has committed in Paris Agreement, which is 2.5 to 3 billion carbon sinks. Another point which is covered is related to wetlands. What are wetlands? Wetlands wo areas hoti hain जहाँ पे पानी थोड़ा जमा रह जाता है, और ये एरियाज़ एक तरह की इकोटोन होती हैं, जो मतलब इकोटोन मीन्स दो इकोलॉजी को जोड़ने वाली एरिया, दो इकोसिस्टम को जोड़ने वाली एरिया. दो तरह की इकोसिस्टम हो, उसने एक इकोसिस्टम ले लीजिए या फिर और फॉरेस्ट इकोसिस्टम ले लीजिए, तो जो ट्रांजिशन जोन होगा वो ट्रांजिशन जोन इज़ लिटिल मडी, मीन्स वहाँ पे थोड़ी वाटरी एरिया होगा, बट द वाटर इज़ नॉट दैट डीप, इट्स छिछला पानी होगा, और जिसके वजह से वो एरिया मडी होगा और इकोटोन होगा. इकोटोन मीन्स दे आर फर्टाइल एज वेल एज दे प्रमोट हाई डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाएंगी, और ये बहुत दे नीड टू बी कंजर्व्ड. They are very prone to their death because of the changing going on because of the climate change. So the total wetlands agar dekha jaye to sabse zyada Gujarat mein hai, the largest. Gujarat has the largest area of wetlands, and then followed by West Bengal the pura area jo agar dekha jaye Sundarban ka, jo this is Sundarban wetlands, they are the largest area. And our next topic will be wetlands. So you can also wait for that video.
So this is it in this video. If you like, if you find it helpful, do like and share and subscribe my channel. Have a great day. Thank you.